व्यक्ति के योग्य नहीं है, ये लोग देश को लूटने वाले हैं, देश के संविधान को विपरीत काम करने वाले हैं, देश के सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाले हैं। इस तरह से जीत होने जा रही है, आखिर आरजेडी कांग्रेस के लोगों को क्यों जनता वोट दे? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आज गया पहुंचे हुए थे, हमारे साथ है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। सर, गया पहुंचे हुए थे, संबोधन हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था और जो उन्होंने साफ शब्दों में बिहार की जनता को बता दिए कि जो व्यक्ति वंशवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी बिहार को कलंकित किया, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाला, आज एक भ्रम फैला रहा है। उस भ्रम से सावधान सतर्क रहना है और ये लोग राजनीति के योग्य नहीं हैं, ये लोग देश को लूटने वाले हैं, देश के संविधान को विपरीत काम करने वाले हैं, देश के सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाले हैं। सनातन और संविधान को लेकर भी उन्होंने बात की कि जो विपक्ष द्वारा संविधान बदलने की बार बार बात कही जाती है, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। आज उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में आस्था रखती है, अपने धर्म ग्रंथों के तरह इसको धर्म ग्रंथ के रूप में सम्मान और आस्था से इसका हर जन तक पहुँचाने का वातावरण बनाता है और ये संविधान और संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करते हैं, अपमान करते हैं, जनता के विश्वास घात करते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था चलाते हैं। आखिर में एक सवाल है कि आप भी गया घूमे हैं, प्रधानमंत्री आ जाए हैं, कितने आश्वस्त हैं कि एनडीए की जीत होगी? पूरी तरह से जीत होने जा रही है, आखिर आरजेडी कांग्रेस के लोगों को क्यों जनता वोट दे? जो जातीय जहर का लहर चलाकर जातीय नरसंहार करा के सामाजिक ताना बाना को तोड़ा है, सबको लड़ाया है, विकास में लूट का वातावरण बनाया है, अपराधियों और उग्रवादियों को संरक्षित करने वाला, ऐसे लोग को जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आ जाने से गया के लोग और भी आश्वस्त हो गए हैं कि एनडीए की जीत यहाँ से तय है। गया से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।